अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए, क्या गलतियां अपना करें, क्या डाइटिस फॉलो करें, 10 किलोमीटर को एक घंटे में नहीं 50 मिनट में कैसे कंप्लीट करें, ये वीडियो में सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाले हैं। आपने हमारा कोई वीडियो देखा होगा, चाहे आप बात करें SSCED की, चाहे आप बात करें आर्मी की या फिर बिहार पुलिस वगैरह, किसी भी जगह का वीडियो देखा होगा, तो बहुत डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। और आज भी झारखंड पुलिस से रिलेटेड एकदम डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। और खास करके जो लोग अपना सीट सिक्योर चाहते हो, अपना सीट को एकदम सुनिश्चित चाहते हो, तो आप हमारा एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी हो रही है, किसी तरह की दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका झारखंड पुलिस का जो राह है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप पहले प्रैक्टिस करते थे, एक महीना में जो रिजल्ट लाओगे वो मात्र 15 दिन में लाओगे ये सारे टिप्स बताने के बाद, और जो आप 2 महीना में करते हो मात्र आधा मतलब 1 महीना में ले आओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला टिप से बात करते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरा भर भर के दिया जाएगा, और इसको जब आप यूज कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ना वर्कआउट से रिलेटेड, आप वर्कआउट में क्या गलतियां करते हैं, वर्कआउट में क्या चीज ऐड करना चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे डाइट से रिलेटेड। तो वर्कआउट में सबसे पहला टिप, सबसे पहला गलतियां जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि आप जूता अच्छा नहीं लेते हैं, आप अच्छा रनिंग किट फॉलो नहीं करते। बहुत लोग जींस वगैरह में रनिंग करते हैं या फिर ट्राउजर वगैरह में रनिंग करते हैं। आप हाफ पैंट में रनिंग कीजिए, साथ ही साथ अगर ट्राउजर में करते हैं तो वार्म अप हो जाने के बाद आप हाफ पैंट में आ जाइए। दूसरा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जूता अच्छा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप शादी वादी पार्टी वाला जूता पहन के रनिंग करते हैं और आप इंजर्ड हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ठीक हो जाऊँ और धीरे धीरे कंटिन्यू रनिंग करते रहते हो, ठीक नहीं होते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद दौड़ना ही छोड़ देते हो, क्योंकि शुरू में आप अनफिट रहते हो, आपका मसल्स, आपका बॉडी, आपका जॉइंट रेडी नहीं रहता है लोड जो आपको मिलने वाला है रनिंग के दौरान, जब आप रोड पर रनिंग करते हो उस दौरान या फिर ग्राउंड में भी रनिंग करते हो उस दौरान, तो उस दौरान आप इंजर्ड हो जाते हो। तो सबसे अच्छा आपको क्या करना है, एक अच्छा क्वालिटी का जूता लेना है। जूता बहुत महंगा भी नहीं लेना है, 500-700 के आसपास का जूता आता है, कैंपस का आएगा, आपको कैंपस का रनिंग शूज़ ले सकते हो, आप स्पार्क का रनिंग शूज़ लेते हो, थोड़ा महंगा जाओगे तो परफॉर्मेंस का रनिंग शूज़ आजकल अच्छा बन रहा है वो सब ले सकते हो। अगर मुझे कोई अच्छा रनिंग शूज़ मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जूता अच्छा रखिए, क्योंकि अभी आपका मसल्स, आपका जॉइंट रेडी नहीं है लोड उठाने के लिए, ये बात का ध्यान रखना है। आप शुरू में अपने आप को थोड़ा सेफ लेके चलिए 15-20 दिनों के लिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़, आप अच्छा रनिंग किट फॉलो कीजिए। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ना, वो ये है कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आपको 10 किलोमीटर आपसे नहीं दौड़ा जा रहा तो आप हर दिन जाके कोशिश मत कीजिए कि आज 10 किलोमीटर दौड़ी लेंगे। घर जाके 10 किलोमीटर दौड़ते हैं आप, 5-7-8 किलोमीटर जाते हैं, फिर भी आप पूरा एफर्ट लगा के आपका नी पेन हो जाता है, सीन पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या होने लगता है और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपसे 3 किलोमीटर हो रहा है, 5 किलोमीटर हो रहा है, 4 किलोमीटर भी हो रहा है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे 1 किलोमीटर भी नहीं हो रहा तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो रहा उतना देर दौड़िए, उसके बाद फिर थोड़ा देर चलिए, फिर दौड़िए, फिर चलिए, फिर दौड़िए, फिर चलिए, मतलब अपने आप को कम से कम 20 से 25 दिन का समय दीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे मैं अभी वर्कआउट बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना बॉडी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए। मतलब कि 10 किलोमीटर आपको एक घंटा में मांगा गया है तो आप कोशिश कीजिए कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लें। तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलती होगी। जो पुराने धावक है जो ग्राउंड में दौड़ रहे हैं उसका बराबरी आपको नहीं करना, या फिर हर दिन बोलेगा खींच 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 खींच, जोश में आप आगे खींच दीजिएगा और आप इंजर्ड हो जाएगा, नी पेन हो जाएगा, सीन पेन हो जाएगा, वो छूटेगा नहीं। अपने आपको 20-25 दिन समय दीजिए। आपसे 1 किलोमीटर हो रहा है 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर 200-500 मीटर चल लीजिए, फिर धीरे धीरे दौड़िए, फिर चल लीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि पहला 20-25 दिन 4-5 किलोमीटर के आसपास दौड़िए। अगर उतना भी नहीं हो रहा, जितना हो रहा उतना दौड़िए, अपने आपको पहले ग्राउंड में डेली तो पहुंचाइए, डिसिप्लिन में तो आइए, वो चीज़ आपको फॉलो करना है। दूसरा चीज़, जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स की ना, तीसरा टिप्स, सबसे बड़ा लोग जो गलती करते हैं ना वो क्या करते हैं कि वार्म अप नहीं करते हैं। मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा मेडल लगा चुका हूँ, बहुत जगह का फिजिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ, एक्सलेंट भी मार चुका हूँ हर जगह, और बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। मैं भी अपने जब मुझे भी नॉलेज नहीं था यही गलतियाँ करते, ग्राउंड आता था सनसना के दौड़ता था, अगर 1600 कोई दौड़ा तो उसके साथ लग गया, 100 मीटर दौड़ा तो उससे रेस लगा लिया, ये गलती एकदम नहीं करना है। सबसे ज़्यादा लोग इंजर्ड यहीं पर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको ग्राउंड आना है, आप कम से कम पहले एक चक्कर धीरे धीरे चल लीजिए, अगर रोड पे दौड़ते हो 400 मीटर पहले चल लो हल्का हल्का हाथ पैर हिला के स्ट्रेचिंग करके, उसके बाद कम से कम ग्राउंड में दौड़ रहे हो तो 2 से 3 चक्कर धीरे धीरे एकदम जॉगिंग करो, बॉडी को गर्म करो, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करो। और रोड में दौड़ रहे हो तो कम से कम 1 किलोमीटर एकदम धीरे धीरे पहले जॉगिंग कर लो और उसके बाद मेन वर्कआउट। इसको आपको वर्कआउट में नहीं जोड़ना है, इसको आपको वार्म अप में जोड़ना है। आप वार्म अप कीजिए और वर्कआउट ख़त्म होने के बाद, जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो गया, मतलब कि आप जो भी वर्कआउट है आपका, आप चाहे मान के चलिए आज 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ो, उसके बाद स्ट्रेचिंग,
स्ट्रेचिंग का वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग जरूर से कीजिए, ये बात का आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हो अपने बॉडी में, आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, बहुत लोगों का वेट ज़्यादा है, या फिर बहुत दिन से दौड़े दम बहुत ज़्यादा फूलता है, तो अगर उसमें बहुत जल्दी आप कंट्रोल चाहते हो तो योगा आप ऐड कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे एकेडमी के बच्चे योगा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीका से हर कुछ कराता हूँ, वार्म अप हो, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग हो, योगा हो। और एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डेली एक ही चीज़ नहीं करना, डेली 5 किलोमीटर या फिर डेली 10 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास नहीं करना। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो कभी हिल दौड़ लिए, कभी पहाड़ जो आपके आसपास उस पर चल गए, कभी आपका सीढ़ी रहता है कोई मंदिर वंदिर का सीढ़ी पर चल गए, कभी आप 400 का रेपिटेशन लगा लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी आपको कैसे करना है, कौन सा वर्कआउट फॉलो करना, आगे हम बताएंगे सब कुछ, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स, वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग, इन तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जाके चेक कीजिएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, अगर ये सब चीज़ आप फॉलो नहीं कीजिएगा, मेरे पास जीडी के बच्चे आए हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे आर्मी के बच्चे हो, चाहे दिल्ली पुलिस, सब के बच्चे हैं, और सबका बहुत अच्छे तरीके से मैं इतने कम दिनों में रिजल्ट निकलवा के कैसे देता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इतने कम दिनों में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आता है, तो यही कारण होता है कि जो बेसिक चीज़ है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो यही बात आपको ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स की ना, तो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करें तो भले ही आपका मान के चलिए फिजिकल रोड पे होने वाला है, लेकिन आपको अभी रोड पे रनिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रोड का सरफेस बहुत हार्ड होता है और आपका बॉडी, आपका मसल्स रेडी नहीं होता जो लोड देता है रोड। आपका जॉइंट पेन होगा, नी पेन होगा, सीन पेन होगा, एंकल पेन होगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेगा। तो कम से कम शुरू का 20 दिन आप ग्राउंड में रनिंग कीजिए। अगर आपका पास ग्राउंड नहीं, 4-5 किलोमीटर के आसपास भी ग्राउंड है, तो कोशिश कीजिए कि पहला 20 दिन ग्राउंड में ही रनिंग कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका मसल्स, आपका बॉडी को आदत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, खाना वाना खा के वो मजबूत होने लगेगा, तब आप जाकर रोड पर रनिंग कीजिएगा। ठीक है, तो पहला 15-20 दिन आपको रोड पर रनिंग नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि आपके पास ग्राउंड है ही नहीं, 5-10 किलोमीटर के, 5-7 किलोमीटर के अंदर भी नहीं है, तो आप कोशिश क्या कीजिए, तब आप अच्छा क्वालिटी का जूता रखिए, तब आपको हेल्प करेगा, और साथ में अच्छे से वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग कीजिए, और डाइट अच्छा रखिए, डाइट के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे पांचवे टिप्स की ना, तो आपको शुरू में लॉन्ग रनिंग पे फोकस करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले टिप्स में बताया, तो वैसे ही आपको ध्यान देना है कि आपको लंबे रनिंग पे फोकस करना है। अभी शुरू में स्प्रिंटिंग में नहीं आ जाना, 100 मीटर कोई रेस लगा रहा सनसना के नहीं खींचना, 200 किसी के साथ नहीं लगाना, 400 किसी के साथ पूरा दम के साथ नहीं खींचना, कम से कम 20-25 दिन अपने बॉडी को समय देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप इंजर्ड हो जाइएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लंबे रनिंग फोकस कीजिए। आपसे अगर 1 किलोमीटर नहीं हो रहा है, 800 हो रहा है, 800 दौड़िए, 200 मीटर चलिए, फिर 500 दौड़िए एक्स्ट्रा, फिर ऐसे कर करके कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़िए, और जिनसे 3-4 किलोमीटर हो जा रहा है तो आप क्या कीजिए, 3 किलोमीटर दौड़िए, फिर आप थक जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर चल लीजिए, फिर 2-3 किलोमीटर दौड़िए, फिर थक जा रहे हैं फिर चलिए, इस तरह से करके 5-7 किलोमीटर कीजिए, ये बात का ध्यान रखना। ये हो गया हमारा पाँचवा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे छठे टिप्स की ना, तो आपको कंसिस्टेंट होके, डिसिप्लिन में होके, फोकस होके अच्छे तरीके से वर्कआउट करना है, हर दिन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सप्ताह में एक दिन आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप हर दिन वर्कआउट कीजिए प्रॉपर तरीका से, जो वर्कआउट आपका है वो वर्कआउट कीजिए। और अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं 15-20 दिन 25 दिन, तो आप बिगिनर्स नॉर्मल है, तो आप लंबा रनिंग को फोकस कीजिए, आराम से आप आइए, कम से कम 8-10 चक्कर धीरे धीरे रनिंग कीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास और स्टेमिना है तो आप 200 लगा सकते हैं 5-7 बार। और अगर अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपका ये वीडियो देखा हुआ मतलब कि सोच रहे कल परसों स्टार्ट करेंगे, या फिर कल परसों 2-3-4-5 दिन हुआ स्टार्ट किया हुआ, तब अभी आपको कोई रेपिटेशन ज़्यादा नहीं लगाना, लंबे रनिंग पर थोड़ा फोकस करना है, और बहुत ईजी दम से 100 मीटर 80 मीटर स्ट्राइड लगाना, बहुत आराम से 70-60% का बॉडी का दम लगाकर, और मोटिवेटेड रहना है, फोकस रहना है, डिसिप्लिन में होकर वर्कआउट करना है। और बहुत लोग कन्फ्यूज़न होगा कि वर्कआउट कैसा करें। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड पुलिस का मैं प्रॉपर वर्कआउट लेके आऊँ, कैसा वर्कआउट, अगर आपका 1 किलोमीटर भी नहीं भागा जा रहा तो आपके लिए अलग से, जिनसे 5-7 किलोमीटर जाके दम फूल जा रहा है उनका, या फिर जो 10 किलोमीटर दौड़ ले रहे हैं लेकिन 1 घंटा में नहीं दौड़ पा रहे उनके लिए, तो कैसा वर्कआउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अनुसार मैं वीडियो ला के आपको दूंगा। तो हमारा छठा टिप्स यही हो गया, रेगुलर वर्कआउट करना है, शादी ब्याह वगैरह जो भी है उसको, अगर आपका लगता है कि आप फंसे हुए हैं, 10 किलोमीटर आप 1 घंटे में या फिर 50 मिनट में नहीं कंप्लीट कर पाओगे, मैं क्योंकि 50 मिनट इसलिए टारगेट देता हूँ कि बहुत बार डर के मारे आप वहाँ जब दौड़ने जाते हो तो आपका टाइम बढ़ जाता है, इसीलिए कम से कम अगर 1 घंटा मांग गया तो 52-55 मिनट के आसपास आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि 4-5 मिनट बहुत बार कभी कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कभी टेंशन से दौड़ नहीं पाते हो, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर डिसिप्लिन, फोकस, मोटिवेट होकर वर्कआउट करते रहना है। अब बात करते हैं डाइट से रिलेटेड, डाइट कैसे ऐड करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं और डाइट साथ में ऐड कर लीजिए, फिर देखिए जादू।
डाइट में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला चीज़ जो आप बाहर का पहले खा रहे हैं, तला भुना, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा जंक फूड, या फिर आप नशा वसा का सेवन कर रहे हैं, दारू शराब वगैरह ले रहे हैं, सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे एकदम कम करने का प्रयास कीजिए और साथ में हेल्दी चीज़ ऐड करने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया, घर का नॉर्मल खाना हो गया, साग हो गया, दही हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ आप ऐड कीजिए। दलिया या ओट्स, मैं अपने एकेडमी में भी दलिया खिलाता हूँ, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, दलिया के साथ आप थोड़ा चना मूंग ले लिए और हल्का सा गुड़ ले लिए, और साथ में अगर आपको अंडा लेना तो अंडा ले लिए, नहीं तो दूध लेना तो दूध ले लिए। ये हमारे एकेडमी का ही डाइट है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये बेस्ट डाइट आपके लिए है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होता है तो मैंने आपको बताया योगा कीजिए, आप साथ में अपना पानी का इंटेक को बढ़ाइए, जो आप पानी कम पीते हैं, पेशाब अगर आपका पीला हो जा रहा है तो आपका बॉडी ये बता रहा है कि आपका बॉडी में पानी की कमी है, पानी अच्छे से लीजिए। और जो मैंने आपको बताया नशा वसा जो झारखंडी चीज़ ज़्यादा चल रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, धीरे धीरे आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और डाइट अच्छा रखिए, देखिए कैसे ऊपर जाइएगा, कितना जल्दी परफॉर्मेंस आएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टफ होता है जब 1600 मीटर भागना है 5 मिनट के नीचे, ठीक है, ये सब टफ होता है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं, टफ उनके लिए हो जाता है जो पहले से अपने बॉडी को ख़राब करके रखे हुए हैं। अगर जनरल फिटनेस है आपके पास तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप बस 5-7-10 दिन दौड़िएगा, आप 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर कम्प्लीट आपसे हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। दिक्कत उसी के साथ है क्योंकि आपको पता है कि बहुत साल बाद फॉर्म आया है तो बहुत लोग अनफिट होंगे, बहुत लोग इंतज़ार में होंगे, बहुत लोग का दिमाग में होगा कि चलो आएगा नहीं आएगा, तब तक आएगा तो हम फिर से वापसी कर लेंगे। तो यही चीज़ है, अपने आप को कभी भी फिट रखने का प्रयास कीजिए, और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीका से हो जाएगा, बस गलती ये नहीं कीजिए कि शुरू में जोश में होश नहीं खोना है और सही गाइडेंस में सही टेक्निक में मेहनत कीजिए। तो ये था इंपॉर्टेंट झारखंड पुलिस से रिलेटेड वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्कआउट का वीडियो लाऊं तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीका से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हिल वर्कआउट करना चाहते हैं, स्टेयर वर्कआउट करना चाहते हैं, एक कोच के अंदर प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं किस तरह से हो जाए, और हर एक बॉडी का अलग काम करता है, किसी का बहुत जल्दी, किसी के पास स्पीड होता है, किसी के पास स्टेमिना ज़्यादा होता है, मतलब जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं वो, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम दिनों में अपने रिजल्ट चाहते हैं, तो हम आप हमारा एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया, झारखंड पुलिस का बैच स्टार्ट है, ठीक है, अभी फिलहाल बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए हमारे पास अभी सीट नहीं है, हॉस्टल का उपलब्धि नहीं है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ हमारे पास आ सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, खाना पीना रहने सभी चीज़ का प्रॉपर तरीका प्रॉपर सुविधा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और उनको शेयर कीजिए जो झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हैं। रेडी हो जाइए, अब कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, थैंक यू।